हाँ आ गए। अरे वाह, चलो अच्छा हुआ। कहाँ पहुँचे पापा? अरे देखो तुम्हारी बुआ जी आ गई। कहाँ पर खड़े हैं आप? मंदिर के पास? अरे बिल्कुल पास में ही हमारे। तो काम करो, कहीं जाना मत, वहीं रुको, हम किसी को भेजते हैं। अरे पापा किसी को क्यों, हम खुद जाकर लेके आते हैं ना। तुम जाओगे? कहाँ है वो? दुर्गा मंदिर है उसके पास में। अच्छा ओके। हाँ, शेर आ रही है दुर्गा उसमें। ठीक है, जाना नहीं कहीं। ये लो दिव्यानी आ गई। नमस्ते फूफा जी। अरे नमस्ते बेटा, खुश रहो। नमस्ते। सामान उठाओ। अरे रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ नहीं, हमने तो बेटा यहीं ऑटो छोड़ दिया। हाँ। फिर फोन आ गया तुम्हारे पापा का, कहते भेज रहे हैं किसी को। अच्छा फूफा जी। हाँ। ये है हमारा दिल्ली और ये रहा हमारा दिल्ली वाला घर। यहाँ पे नीचे सरीन अंकल रहते हैं और ऊपर हम सब रहते हैं। हाँ। और यहाँ पास ही में हमारे जीजू का घर भी है। अरे वाह, वैसे तो बहुत अच्छा है। कभी भी आ जा सकते हैं। हाँ। तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, घर पे रहता कौन है? आओ जी आओ जल्दी। अरे आओ आओ आस्था, कब से तुम्हारी राह देख। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। वो मेहंदी के कोन्स कहाँ है? मैं लेके आती। नहीं नहीं मैं ले आऊंगी, बता दीजिए। वो वहाँ ठीक है, समथी वगैरह आने वाले, दस में अभी शुरू नहीं हुई, इसलिए प्लीज अब बिना शुरू मत कर देना। बकवास ना कर मेरे साथ, हम बिना शुरू नहीं करेंगे तो रस्में कैसे शुरू होंगी? आपको तो कुछ बोलना ही फजूल है शास्त्री जी, समझाओ ना अपने दोस्त को। तेरे को क्या क्या मैंने छोटे के साथ बर्फ भी पे, चल। पापा बुआ जी आ गई। हाँ हाँ भैया प्रणाम। अरे भाई नमस्कार नमस्कार। बुआ जी ये सरीन अंकल है। सरीन अंकल नमस्ते भाई साहब। नमस्ते पप्पू, चलो हम तुम्हें घर दिखाते हैं। चलिए देवयानी जी। भैया बहुत सुंदर घर है। ये देखो ये सरीन अंकल का बेडरूम है और ये लॉन्ज देखो कितने अच्छे है ना। एक बात बताइए देवयानी जी, आपको कानपुर की याद आती भी है या नहीं? वैसे कानपुर की याद तो नहीं आती है, पर आप कानपुर में है तो हमें याद कैसे नहीं आएगी बताओ। अच्छा वो सब छोड़ो, ये साड़ी। I'm so sorry. Actually, हमने देखा नहीं और ऐसे ही चल रहे थे इसीलिए। तुमने देखा या नहीं देखा, मेरा तो नुकसान हो गया ना। क्या हुआ? भैया सॉरी, आप टेंशन मत लीजिए, हम साफ करके भिजवा देंगे। सॉरी बोलने से क्या होता है, मेरी तो साड़ी खराब हो गई ना, और एक बार धुले हुए कपड़े मैं दोबारा पहनना पसंद नहीं करती। हाँ तो इसमें मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी साड़ी धोकर हमें दे सकती है। तो तुम्हें देखकर ही लगता है कि बचपन से दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनकर बड़ी हुई। आस्था जी प्लीज, हम जानते हैं कि आप सुपर अमीर घर से हैं और हम नॉर्मल घर से, प्लीज अब आप ये डींगे मारना बंद कीजिए, चलिए पार्टी इंजॉय करते। जिस इंसान के पास जो होता है ना उसी के बारे में डींगे हाँकता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या ढींगे मारेगा। हमारी दिव्यानी जी से ढंग से बात कीजिए। शांत पप्पू शांत, तो जो कह रही है सही कह रही, जिसके पास जो चीज होगी उसके बारे में डींगे तो मारे गए ना। तो चलो हम शुरू करते हैं। डींग नंबर वन, माना कि हमारे पास महंगे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, पर जब हम सिंपल से भी तैयार होकर निकलते हैं तो आधे से ज्यादा लोग हमें मुड़कर देखते हैं, तो फिर हमें महंगे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है बताओ। और वैसे ही भगवान ने तो हमें वैसी महंगी वाली ब्यूटी दी है, क्यों पप्पू सच या झूठ? बिल्कुल सच दिव्यानी जी। डींग नंबर टू, माना कि हमने महंगे स्कूल में पढ़ाई नहीं की, पर जब हम अपना मुंह खोलते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोग खुश हो जाते हैं, क्यों पप्पू सच या झूठ? एकदम सच दिव्यानी जी। आस्था जी अभी तो हमारी लिस्ट शुरू हुई है, अगर आपको क्वालिटीज गिनाए ना तो ये डींगे खत्म होते होते कल सुबह हो जाएगी। हाँ हाँ बहुत सुन लिया मैंने, शास्त्री जी उनकी बेटियाँ उनके गुण, ना तो ठीक से देखना आता है और ना ही चलना आता है। अच्छा अब हमारे चलने में भी प्रॉब्लम है आपको, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे नाच नाच के जो चल रही थी उसी वजह से तो मेहंदी गिर गई मेरी साड़ी पे। तो वो है हमारी डींग नंबर थ्री, अगर हमें अच्छे से नाचना आता है तो हम क्यों ना नाचे। अच्छा तो तुम बहुत अच्छी डांसर हो, ठीक है हो जाए कॉम्पिटिशन संगीत में लड़के वाले और लड़की वालों के बीच, अगर हार गई तो
अपनी जूतियां साफ करवाऊं ये भरी महफिल में। और अगर आप हार गए तो आप भी हमारी जूतियां साफ करेंगे, वो भी भरी महफिल में। मुझे मंजूर है, क्योंकि जीतने वाले तो हम ही, वो तो संगीत वाले दिन ही पता चलेगा ना। देखते हैं किसमें कितना है दम। अरे आस्था, चलो मेहंदी लगाने की तैयारी करो। अलका कहाँ है? हेलो, अलका भी आ गई। बैठो। दीदी एक सेकंड। जी पापा। बेटा शादी के टाइम लड़कियां खिली खिली रहती हैं, तुम्हारी अलका दीदी मुरझाई मुरझाई से क्यों है? कहीं राजीव का ख्याल? नहीं पापा, वो तो उस दिन से राजीव को नफरत करती है, जिस दिन से उन्हें पता चला कि उनके पापा ने आपके साथ बदतमीजी से बात की है। और वैसे ही पापा, वो हम सबको छोड़ के जाने वाली है, थोड़ा बहुत तो मुरझाएंगी ना। तुम एक काम करो, उससे अकेले में बात करो, उसे कहो कि रोहन पास में ही रहता है, जब भी मन हो आ जाया करेगी। और हर लड़की को एक दिन ससुराल जाना पड़ता है बेटा, तुम्हारी माँ भी आई थी यहाँ, है ना? क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसे चैलेंज लेने की? हम लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उस लटाधारी माता ने हमें जबरदस्ती दे दिया, हम क्या करें? ओहो दीदी, इश्तरिश बाद में लेना, पहले जरा नजर तो उतार लेने दो। आए हाय, कितनी स्मार्ट लग रही हो। सिर्फ तू ही कहती है मुझसे ये सब, और तो कोई नहीं कहता। अरे दीदी, यहाँ ना सब जलन खोर हैं, आप इतनी खूबसूरत जो हो। तू देखना संतो, जब उन बहनों से अपनी जूतियाँ साफ करवाऊंगी ना, तब पता चलेगी उन्हें अपनी असली औकात। हमने पंगा नहीं लिया, उसी ने लिया। एक बात बताओ, लोग सिर्फ तुमसे क्यों पंगे लेते हैं? हमसे तो कोई नहीं लेता, ना दीदी से लेता है। हुँ? अब हमें क्या पता, शायद लोगों को तुम लोग बिचारी टाइप्स लगती होंगी ना, इसीलिए। अब अगर हम इतने रफ एंड टफ है तो उसमें हमारी क्या गलती है? अच्छा बताओ तुम्हें भी। दीदी दीदी, हमने इन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर वो आस्था भाभी तो पीछे ही नहीं हट रही थी। अरे दीदी, पीछे हटे आपके दुश्मन, आप तो बस आगे बढ़ो, और फिर हम है ना आपके पीछे स्टैंडिंग, आपको धक्का मारने के लिए। दीदी वो आगे की क्या प्लानिंग है? प्लान तो है संतो, अब अपने रिश्तेदारों को तो डांस आता नहीं, तो क्यों ना ऐसे रिश्तेदार बनाए जिन्हें धमाल डांस आता हो। मतलब अरे वाह दीदी, आपका तो दिमाग भी बड़ा ही स्मार्ट है। गंगा कसम, अगर हमें उस आस्था भाभी की जूतियां साफ करनी पड़ी ना, तो हम आत्महत्या कर लेंगे और साथ में तुम्हें भी मार देंगे। हमें क्यों? क्योंकि हम अकेले नरक में बोर नहीं होना चाहते ना, इसीलिए। हम नरक नहीं जाने वाले, और वैसे भी ये जूतियों वाले पंगे ना हम नहीं लेते। दिव्यानी, पापा को अगर पता चलेगा ना, तो पता है वो कितना गुस्सा होंगे? पापा को कैसे पता चलेगा? और वैसे भी उस अजीब चीज उर्फ आस्था भाभी ने ये कहा है कि ये बात हम सिर्फ यंगस्टर्स के बीच ही रहेगी। और तुम्हें वो विश्वास करने के लायक लगती है? दिव्यानी, कोई ऊंच नीच हो गई ना, तो पता है उसका जुर्माना सिर्फ और सिर्फ अलका दीदी को भुगतना पड़ेगा अपने ससुराल में। अलका दीदी, अगर आप कहोगी ना तो हम इस चैलेंज से पीछे हट जाएंगे, बट प्लीज आप ऐसा मत करना। अगर आपके ससुराल में उस आस्था की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, तो ना आई प्रॉमिस
आप ना सिर्फ हमें एक फोन घुमा देना, हम झट से आ जाएंगे और फट से उस प्रॉब्लम को रिवर्स गियर में डाल देंगे, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दिव्यानी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी दिव्यानी जी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। जी जी बिल्कुल जी। अभी आप नीचे जाने का कष्ट करेंगे? हमने आपके सोने का इंतजाम नीचे सरीन अंकल के बेटे के साथ कर दिया है। जाइए। जी जाओ। हाँ हम जा रहे हैं, जा रहे। सोना अब है। दिव्यानी जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आप जाओ नींद के साथ चुपचाप सो जाओ। तुम्हें लड़ने का इतना शौक है कि तुम अभी भी आ गई? पर अभी तो हम यहाँ आए भी नहीं है। तो फिर मैं किसे देख रहा हूँ? वो तो तुम अपने आप से ही पूछ लो। भूत? अबे यार मुझे इससे इतनी खुंदक हो गई है कि ये मेरे सामने नहीं है फिर भी मुझे दिख रही है। पर अच्छा है ना कि मैं पहले से प्लान कर पाऊंगा कि इसको जवाब क्या देना। आओ पप्पू आओ, मम्मी ने मुझे बोला था कि तुम हमारे पास सोने आओगे। असल में आज रात हम सोने नहीं वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। किस चीज की प्रैक्टिस करनी भाई? डांस कंपटीशन की, दिव्यानी जी के साथ। पर हमें डांस तो आता नहीं है भाई। वो साक्षात मुसीबत है, अगर उसके साथ करोगे ना तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ऐसा ना कहिए, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, उनके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और पता है कल तो दिव्यानी जी की रेपुटेशन की बात है, अगर वो हार गई तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? मतलब गुड मॉर्निंग है जी। इन्ना बड़ा चैलेंज की लोड़ सी? शोभा देता है इस तरह लड़कियों का डांस करना? शोभा क्यों नहीं देता, और हर बारात में तू ही तो आगे बढ़ चढ़ के डांस कर रही होती है। वो तो ऐसे ही शादियों में नाच लेती हूँ थोड़ा सा, लेकिन अपने घर की शादियों में मतलब लड़के वालों के सामने लड़की वाले नाना। क्यों, खुशी का मौका क्या सिर्फ लड़के वालों के लिए होता है, लड़की वालों के लिए नहीं होता? ओहो तो इसके लिए चैलेंज करने की क्या जरूरत थी? ओ भाई उनकी तरह हमारा घर कोई मेल जितना बड़ा थोड़ी है। वो स्टेज टूज कहाँ बनाएंगे, और वो डीजे शीजे अपने बर्तन पांडे कहाँ रखेंगे किचन में, मेरा मतलब वो बजाने वाले। मम्मी आप परेशान मत हो, सारा अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है? क्यों बनो जस्सी, शाम के प्लान के लिए तैयार हो? यस नील हम तैयार हैं। चले चलो। सरीन साहब नहीं, आपने इसे अपने साथ पैग शेक लगाने के लिए तो नहीं बिठाया था? नहीं बाय द वे पूछ रही हूँ, मुझे पैग लगाते हुए दिख जाए ना ये, इसको वहीं लिटा दूंगा और इसके ऊपर बैठ जाऊंगा। सवेरे सवेरे मूड खराब कर दिया। क्या करने वाला है? पापा पापा आपकी चाय। तुम क्यों ले आए बेटा, अनुष्का ले आते। तो मेहंदी लगाया हुआ ना हाथ में? मेहंदी तो सूख गई पापा। अच्छा देखा, अरे वाह। पता है तुम्हारी माँ क्या कहती थी, जिसके हाथ में मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा चढ़ता है उसकी सास उसे उतना ही ज्यादा प्यार करती है। वो ऐसे भी तुम्हारी सास है बड़ी अच्छी, पर वो जो आस्था है ना वो थोड़ा अलग है। तो आपने ये सब नोटिस किया? और क्या, हमारी बिटिया जिस घर में जा रही है उसके घर के लोगों को तो देखना ही पड़ेगा, और उनके अलावा
पड़ोस में कैसे लोग हैं ये भी देखना पड़ता है। पर हाँ, पति अच्छा मिल जाए ना तो सब ठीक हो जाता है। और रोहन तो वैसे भी लाखों में एक है ना? क्या हुआ बेटा, खुशी के मौके पे तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? कुछ नहीं पापा, हम बस वो सोच रहे थे कि पता नहीं अब हमको आपको हमारे हाथों की चाय पिलाने का मौका कब मिलेगा। और ये जो आप रोज सुबह अलका अलका बेटी हमें चाय ला दो करके पुकारते हैं ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम ना वो सब बहुत मिस करेंगे। हम भी मिस करेंगे बेटा। अच्छा पापा, एक बात बताइए, वो जो कहते हैं कि शादी के बाद ससुर को अपना पिता पिलाना चाहिए, हमसे ना वो सब नहीं होगा। क्यों? हमारे पापा ना केवल आप हो, हम आपके अलावा किसी और को पापा बुला ही नहीं सकते, चाहे फिर वो कोई भी हो और हमें कितना ही क्यों ना प्यार करे। तो ठीक है, इसे जो है हम सीक्रेट रखते हैं, मानना पापा हमें, लेकिन मुंह पे उनको पापा पापा कह देना, ठीक है? प्रॉमिस। अच्छा है बेटा। पता नहीं पापा, मारे जाने के बाद आपको खाना कौन बना के खिलाएगा? अनुष्का और दिव्यानी को तो ढंग से खाना तक बनाना नहीं आता। तुम्हें पता नहीं, एक सीक्रेट छुपाया हुआ है हमने। वो क्या? हम ना बहुत बड़े वाले कुक हैं, अगर पहले बता देते तो तुम लोग हमें किचन में धकेल देते। हमारे हाथ का बना लौकी का कोफ्ता खा लोगे ना, चक्कर घिन्नी हो जाओगी। वैसे हम भी आपको एक बात बताएं। क्या? कि झूठ के कोफ्ते भी आप बहुत अच्छे बना लेते। ओ, झूठ भी पकड़ लेती हो हमारा तुम लोग। अच्छा पापा, हमने ना सब्जियों की रेसिपी ना एक नोट पैड पे लिख दी है। अच्छा? और जाते वक्त अनुष्का को भी सिखा के जाएंगे। अच्छा, कल तक हम तुम लोगों का ख्याल रखते थे, कब तुम लोग हमारा ख्याल रखने लगे हमें पता ही नहीं चला। नहीं, जल्दी बढ़ जाते हैं बच्चे। हम तो आपका ख्याल शादी के बाद भी रखेंगे, आपको रोज फोन करके आपकी खबर लिया करेंगे कि आपने टाइम पे खाना खाया या नहीं खाया, दवाई ली या नहीं ली। और कह देते हम ना आपसे फिर ये नहीं सुनेंगे कि अलका बिटिया तुम ना अपने ससुराल वालों का ध्यान दो, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। लेकिन क्या होता है ना बेटा कि शादी के ये सब आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं पापा, बस आप खुश रहें।